नमस्कार, TV27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 52,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। पर्यटन की विभिन्न योजनाओं का इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सुदर्शन सेतु और ओखा को जोड़ने वाले सेतु का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को इससे मदद मिलेगी। भारत का सबसे बड़ा केबल तारोपार या पुल बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अलग राज्यों का दौरा हो रहा है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान करोड़ों रुपए की लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, इसके साथ ही शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि द्वारिका में पीएम मोदी अरब सागर पर बने देश के सबसे लंबे सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को आज समर्पित करेंगे। इसके साथ ही ओखा को जोड़ने वाले सेतु का आज उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी अभी से ठीक 1.5 घंटे बाद सुबह 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर भी जाएंगे। दोपहर लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की बहु विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। इसके बाद 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स राजकोट जाएंगे। वहां प्रधानमंत्री रेसकोर्स मैदान में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की बहु विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले और सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी है? लोकसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच रहे हैं और बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिल्कुल बेशक दिनकर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंचेंगे और माफिया गुजरात पहुंच चुके हैं और 5 नए एम्स को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा जो एक नई बिल्डिंग है आरएमएल, उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली करेंगे और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री लोकार्पण भी वर्चुअली करेंगे। राजकोट में जो एम्स है उसका भी आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर एम्स की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं और कई कार्यक्रम है उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मिलित होंगे। और सबसे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो भी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित होंगे। और ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का इस महीने का, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी जाता है। और साथ ही साथ पिछले कई 2 या 3 दिनों से अगर देखा जाए तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी नई नई सौगात गुजरात और पूरे देश को देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच चुके हैं और आज सुदर्शन सेतु को आज जनता को सौंपेंगे। सुदर्शन सेतु को लेकर कहा जा रहा है कि यह अब तक का सबसे लंबा पुल हो सकता है जो कि केवल से बना हो। इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जब जनता को संबोधित करेंगे तो क्या कल जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गुजरात को लेकर गठबंधन हुआ है कि 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बाकी पर कांग्रेस लड़ेगी, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री आज हुंकार भर सकते हैं क्या वहां से? बिल्कुल बेशक, देखिए सबसे महत्वपूर्ण दिनकर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिवसीय गुजरात दौरे पे जो है उसमें करीबन 52,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है सुदर्शन सेतु और रेल सड़क प्रोजेक्ट को का दे सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से दो महत्वपूर्ण पार्टियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से गठबंधन हुआ है उसको लेकर हो सकता है, क्योंकि लगातार तमाम जो सत्ता में मौजूद नेता पार्टियां हैं वो प्रहार करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आज इसका जवाब या इसको लेकर ये जरूर करेंगे और बताएंगे किस तरह से जो गठबंधन हुआ है वो सबका महत्वपूर्ण है या उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद जरूर प्रधानमंत्री मोदी
जिक्र करेंगे। उसके उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि कई जो कार्यक्रम है उसका, चाहे रेल प्रोजेक्ट हो या सुदर्शन सेतु हो, ऐसे कई कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, लखनऊ से अगली खबर निकलकर सामने आ रही है जहां उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार जारी है। आज नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे सीएम योगी, चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि 1782 पदों के चयनित अभ्यर्थियों को आज सीएम के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। प्रदेश में रोजगार को लेकर अलग अलग निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। इसके लिए आज 1782 पदों के चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज लखनऊ में इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी सरकार का मिशन रोजगार को लेकर आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और प्रदेश में लगातार यूपी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से युवाओं को लेकर लगातार सजग डिसीजन लिए जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि प्रदेश में किस तरीके से निवेश हो, युवाओं को रोजगार मिले, इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए जाते रहे हैं और आज ऐसे में 1782 पदों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। यूपी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज 1782 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरिंद प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अमरिंद, क्या कुछ जानकारी आज सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को आज तोहफा देने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निरंतर मिशन रोजगार के तहत काम कर रहे हैं। अभी आज के कार्यक्रम में 1782 लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये 1782 लोग वो हैं जो कि विद्युत सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इनको चयनित किया गया है। आज 1782 लोगों को एक साथ रोजगार देंगे मुख्यमंत्री। खुद इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। 11 बजे लोक भवन सभागार में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, राजधानी लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक भवन सभागार में यह कार्यक्रम होगा और आज 1782 लोगों को उनकी जिम्मेदारी, उनका रोजगार, उनका काम मिल जाएगा। जी, ये 1782 अभ्यर्थी किस पोजीशन पे और किस पोस्ट पर तैनात होंगे, कुछ जानकारी? देखिए, जैसे की जानकारी आ रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न पदों पे अलग अलग विभागों में इनका चयन हुआ है और विद्युत सेवा आयोग के द्वारा बिजली विभाग में कुछ अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब टोटल लिस्ट अभी थोड़ी देर में सामने आने वाली है जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कितने कर्मचारी, कितने लोगों को विद्युत सेवा चयन आयोग के तहत रोजगार मिला है और कितने लोगों को अन्य अन्य विभागों में रोजगार मिला है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे 1782 लोगों को ये नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, अगली खबर रायबरेली से है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायबरेली एम्स का लोकार्पण करेंगे। रायबरेली एम्स का वर्चुअल तरीके से आज प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी रायबरेली एम्स में आज मौजूद रहेंगे। जिस वक्त उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्चुअली किया जाएगा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली एम्स में शामिल रहेंगी, मौजूद रहेंगी। तो आज रायबरेली को बड़ी सौगात मिलने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली एम्स का आज लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार रायबरेली में एम्स बनाने को लेकर मांगे उठ रही थी, जिसके बाद आज लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। आज प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं और वहां से आज वर्चुअली तरीके से जुड़ेंगे और आज प्रधानमंत्री रायबरेली एम्स का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रायबरेली एम्स में मौजूद रहेंगी। तो बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि रायबरेली एम्स का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस एम्स के बारे में अगर बात कर ले तो पीएम मोदी की तरफ से रायबरेली एम्स में 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एम्स में मौजूद रहेंगे, वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र और राज्य के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है, सभी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय चिकित्सा और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसके बघेल, प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री वेंकटेश्वर सोरेन सिंह भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो आज रायबरेली को एम्स की सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें रायबरेली एम्स की नींव कांग्रेस सरकार में रखी गई थी, जो अब बनकर तैयार हुआ है। अगली खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे अमित शाह। आपको बता दें सुबह 10:45 पर दिल्ली से सड़क मार्ग से आज प्रस्थान करेंगे। इसके साथ ही ग्वालियर और चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। बैठक में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, साथ ही मेला ग्राउंड में लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में भी आज अमित शाह शिरकत करेंगे। भोपाल में वृहद प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में आज मौजूद होंगे। तो बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर और चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक में आज शामिल होंगे। बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सभी प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज निर्देश देंगे। ग्वालियर और चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति के सभी चुनाव प्रभारियों को बैठक में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश दौरे पर अमित शाह हैं और अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर ली गई है। ग्वालियर और चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। दीपा, क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और ग्वालियर और चंबल क्लस्टर के लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही क्लस्टर में बैठक करेंगे और किन पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है? सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं कि बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में दौरा है वो हमें देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी मध्य प्रदेश आए थे और लगातार केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जहाँ बात करते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी तमाम जगहों पर देखने को मिले थे और अब जहाँ पर लोकसभा चुनाव का की जो तैयारियां हैं उसका आगाज बीजेपी के माध्यम से कर दिया गया है। तो आज अगर बात करें तो क्लस्टर प्रभारियों की मीटिंग जो है वो लेते हुए अमित शाह नजर आएंगे। अगर बात करें उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम की तो उसके अनुसार लगभग 12:20 पर वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद जो क्लस्टर प्रभारी हैं
उन सभी की मीटिंग लेंगे। इसी के साथ यदि बात करें तो चुनाव संबंधित जो भी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, खासतौर पर ग्वालियर और चंबल की, तो उन सभी के साथ में बैठक करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए किस तरह से माहौल बनाया जाए इसको लेकर भी उनके माध्यम से काम किया जाएगा। इसी के साथ यदि बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इस कार्यक्रम के बाद जिस तरह से तमाम लोगों से वो चर्चा करेंगे और इसके बाद जो है खजुराहो के लिए वो रवाना होंगे। और खजुराहो की यदि मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर लोकसभा का बूथ सम्मेलन जो है उसका कार्यक्रम होना है जिसमें खुद अमित शाह जो है वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी लगातार ये बात कहती है, सबसे ज्यादा बीजेपी का जो फोकस है वो हमें बूथ मैनेजमेंट का देखने को मिलता है। साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि यदि हमने अपना बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं के बिल्कुल दीपा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और बूथ जीतने पर फोकस करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि खजुराहो में अमित शाह पहुंचेंगे और खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है गठबंधन के तहत कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में अमित शाह का वहां पहुंचना और वहां जाकर जनसभा को संबोधित करना कितना इंपैक्ट डालेगा? एक तरफ से बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि खजुराहो सीट पर आज तक कांग्रेस कभी जीती नहीं, विधानसभा चुनाव में सभी सीटें वहां हार गई, फिर गृहमंत्री अमित शाह का वहां जाकर सक्रिय होना क्या अपने आप में यह दर्शाता है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर अपना कब्जा किया जाए, यहां तक कि छिंदवाड़ा पर भी। जी 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 बिल्कुल। देखिए अगर बात करें तो लगातार अगर खजुराहो सीट की मैं बात करूँ तो परंपरा का सीट जो है बीजेपी कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ यहाँ पर निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन बीजेपी फिर भी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहती है और कोई भी चूक ना हो जाए इसके उसका ध्यान रखते हुए आज अमित शाह जब मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो खजुराहो का दौरा भी करने वाले हैं और इस तरह के दौरे हमें उनके आगे भी देखने को मिलेंगे। तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर जाकर वो अपने कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे बूथ मजबूती की बात हो या चुनाव प्रबंधन की बात हो दोनों पर ही फोकस करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से भी आपने छिंदवाड़ा की बात की तो छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो पूरे देश भर की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी का आज तक कब्जा नहीं हो पाया है, उनमें से एक है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी खुद अमित शाह ने ली हुई है, विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार वो छिंदवाड़ा में सक्रिय रहे हैं और अब भी हमें ये देखने को मिलता है कि लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य अधिकारी बात कर ले अन्य मंत्रियों की, तमाम लोग वहां पर फोकस किए हुए हैं। तो अब ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि एक सीट जो कि कांग्रेस के पास है मध्य प्रदेश में, क्या कांग्रेस से बचा पाती है या नहीं, क्योंकि लगातार खास तौर पर अगर गृह मंत्री अमित शाह की मैं बात करती हूँ तो उनका फोकस मध्य प्रदेश की मिशन 29 पर हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल दीपा, लेकिन एक तरफ बीजेपी की तैयारियां तेज है लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से बात कर ली जाए तो कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब कांग्रेस यहां राम यात्रा निकालेगी। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कमलनाथ को भी देखा गया कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेते हुए दिखे, दूसरी तरफ अब जब जीतू पटवारी आए हैं युवाओं के रोजगार को मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, राम यात्रा से कितना कांग्रेस को फायदा हो पाएगा? राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं पहुंच पाना, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंच पाना और अब राम यात्रा निकालना अपने प्रदेश में जनता के बीच क्या कुछ मैसेज देता हुआ दिखेगा? देखिए कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी ज्यादा भटकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आपका जैसा कि अभी आपने भी बताया कि किस तरह से पहले राम मंदिर के मुद्दे से बिल्कुल अपना जो कह सकते किनारा काटती हुई कांग्रेस नजर आई और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में ही वो ये बात कह रहे हैं कि राम यात्रा निकाली जाएगी। बहरहाल अगर बात करते हैं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है बहुत जल्दी मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है, उज्जैन जाने की बात जो है वो भी उस यात्रा की कही जा रही। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाती तो पूर्व में भी हमें देखने को मिला था। अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मैं बात करती हूँ, जब वो पीसीसी चीफ थे तो लगभग 6 सालों तक हमें लगातार कांग्रेस का जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का जो चेहरा है वो देखने को मिला। कांग्रेस कार्यालय को जो है भगवामय भी किया कई बार किया गया और हनुमान भक्त कमलनाथ ये छवि भी दिखाने का प्रयास किया गया, हालांकि इसका काफी ज्यादा असर जो है मध्य प्रदेश में वो इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि एक तरफ जहां पर बीजेपी का पूरा संगठन बूथ मजबूती पर लगा है वहीं कांग्रेस अभी अपने घर को बचाने में लगी, क्योंकि लगातार टूट की कगार पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस को बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के लिए जो लोकसभा चुनाव है इसकी राह काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देंगे। कालाबाड़ी माइक्रो बायोलॉजी लैब का आज वर्चुअल शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस दौरान मौजूद रहेंगे। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट प्रताड़ी का भी आज लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों के चक्कर काटने से मरीजों को निजात मिलेगी। राज्य बीमा चिकित्सालय का भी आज प्रधानमंत्री वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मंच पर शामिल रहेंगे। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे रायपुर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात मिलने वाली है। माइक्रो बायोलॉजी लैब का आज वर्चुअली शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताड़ी का आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया जाएगा। रायपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देंगे। रायपुर से यह खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। माइक्रो बायोलॉजी लैब का शुभारंभ किया जाएगा। तो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताड़ी का आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता हमारे साथ रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आज छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? बिल्कुल, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, जहां रायपुर की कालीबाड़ी खाद बेगम औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के माइक्रो बायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित कई जो है विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। वही कोरबा में लगभग ये कर्मचारी निगम चिकित्सा उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी देवांगन शामिल रहेंगे। देवांगन साहब 4 बजे कोरबा से वाया कठघोरा पाली होकर जो है रायपुर पहुंचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां बेंगलुरु में 2 दिवसीय इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। आपको बता दें गठबंधन के नेताओं की बेंगलुरु में बैठक है। बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लगातार बीजेपी की तैयारियां तेज है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस भी अब तैयारियों में जुट गई है। पहले समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा और अब आम आदमी की पार्टी के साथ 5 राज्यों में सीट बंटवारे का ऐलान। और अब दूसरी तरफ बेंगलुरु में 2 दिन की इंडिया गठबंधन की बैठक है। गठबंधन के नेताओं की बेंगलुरु में बैठक होगी। इस दौरान चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा किया जा सकता है। कॉमन मैनिफेस्टो पर चर्चा किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। कांग्रेस सहित तमाम अन्य दलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द सीट बंटवारे को अंजाम दिया जाए, ताकि सभी मिलकर चुनाव प्रचार कर सके और नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सके 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी को लेकर बेंगलुरु में 2 दिनों की इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित होनी है। अगली खबर वाराणसी से है, जहां राम मंदिर आंदोलन में योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। आज ज्ञानवापी मुक्ति परिषद सम्मानित करेगा। आपको बता दें कि वाराणसी के पड़ाकर भवन में यह आयोजित है कार्यक्रम पूरा। आज ज्ञानव्यापी मुक्ति परिषद सम्मानित करेगा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां राम मंदिर आंदोलन में जुड़े लोगों को आज वाराणसी के पड़ाकर भवन में आज सम्मानित किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन में योगदान देने वालों को सम्मान दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी वाराणसी से आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज ज्ञानव्यापी मुक्ति परिषद आज इसे सम्मानित करेगा। राम मंदिर आंदोलन में योगदान देने वालों को सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें यह सम्मान ज्ञानवापी मुक्ति परिषद की तरफ से दिया जाएगा। ज्ञानवापी मुक्ति परिषद आज सम्मानित करेगा। साथ ही आपको बता दें कि जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया
उन लोगों को और जिन्होंने योगदान दिया उन लोगों को आज सम्मान मिलेगा। उत्तराखंड सरकार का 26 फरवरी को बजट सत्र शुरू हो रहा है, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार जो बजट ला रही है वो प्रदेश की जनता के अनुकूल होगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल का बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हम इस सत्र को करते, लेकिन जब यदि माना अनेकों विधायकों ने ये लिख के दिया कि ये सत्र हमारा देहरादून होना चाहिए और उसमें जहां कांग्रेस के विधायकों के भी सिग्नेचर हैं, अन्य विधायकों निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी सिग्नेचर हैं, तो क्या सरकार उनकी भावनाओं का निरादर करे? और आपके पास यदि कोई मुद्दा नहीं है तो गैरसैंण का मुद्दा बनाने वाले आप होते कौन है कि जब गैरसैंण के बारे में कभी आप गंभीर नहीं रहे? गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी किसी ने घोषित किया तो? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27।